सो फ्रेंड्स कंटिन्यू करते हैं अपना डिस्कशन साइलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. चार कॉन्स्टिट्यूशन के साइलेंट फीचर्स हम देख चुके हैं. लेंथियस रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बोरोड फ्रॉम द डिफरेंट नेशंस. इट्स अ ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी एंड देयर इज अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच इज फॉलोड इन इंडिया. सो नाउ द फिफ्थ फीचर साइलेंट फीचर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज दैट सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी. तो ये जो हमारा कंसेप्ट है पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी का एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी का, ये काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. तो मेरा नेक्स्ट टॉपिक जो होगा जिसमें हम पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का डिफरेंस देखेंगे, उसके बाद जो टॉपिक होगा वो सिर्फ यही होगा कि डिफरेंस क्या होता है इनमें और यूके यूएसए में क्या फॉलो होता है, ये सारी चीजें इसको अच्छी तरह से एनालिसिस करेंगे. फिलहाल थोड़ा सा समझ लेते हैं, बस ओवरव्यू टाइप में दे देता हूं कि हमारे देश के अंदर ना देखा आपने पहले ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी. ना तो हमारा देश का कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड था ना ही फ्लेक्सिबल था, दोनों का मिक्सचर था जरूरत के हिसाब से. यहां पर भी क्या दे रखा है कि सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी प्लस एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी. ऐसा नहीं है कि देश के अंदर या तो पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी ही है या फिर जुडिशियल सुप्रीमेसी ही है, तो यहां भी सिंथेसिस है. तो आप देख सकते हैं कि इंडिया के अंदर जो पाथ फॉलो होता है वो लेफ्ट या राइट नहीं होता, या फिर वन और जीरो नहीं होता, या यस और नो नहीं होता, बीच का पाथ होता है जो बुद्धा ने बताया है. ठीक है, एक्सट्रीमिटीज को हमने अवॉइड किया है, हमने मीडिएटर जो पाथ होता है उसको अडॉप्ट किया है. तो ऐसे हम जब आंसर्स लिखते हैं तो वहां भी हमको ना बिल्कुल राइट या लेफ्ट नहीं करना, बिल्कुल वन और जीरो नहीं करना, उसके भी आंसर्स को यस और नो को ना देखे एक्सप्लेन करना है कि सिंथेसिस करना है यस और नो का. तो पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी क्या होता है, पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी मतलब कि पार्लियामेंट सुप्रीम, पार्लियामेंट अपने फैसले अपने आप ले सकता है. तो हमने अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में देखा था कि जो पार्लियामेंट होता है वो सुप्रीम होता है. ठीक है, यानी कि जो लॉ मेकिंग बॉडी होती है, जो लेजिस्लेचर होती है, वो सुप्रीम होता है, वो अपने हिसाब से लॉ बना सकता है. और जुडिशरी के जो उसके एक्शंस हैं, जुडिशरी ने जो डिसीजंस दिए उनको भी कर्व कर सकता है और उसके बाद उसके ऊपर से कोई अपना लॉ बना सकता है. ठीक है, अगर आपने नहीं देखा तो पीछे जो लेसन है उनमें जाके आप देखो रिटेन अनरिटन के डिफरेंस, वहां पर आपको जो मैंने समझाया तो आपको ये आराम से इजीली समझ में आएगा. तो हमारा देश का क्या है कि हमारे में पार्लियामेंट जो है वो सॉवरेन नहीं है, वो सुप्रीम नहीं है, वो इंडिपेंडेंट नहीं है, वो कॉन्स्टिट्यूशन से पावर लेता है. ठीक है, तो इसलिए पार्लियामेंट अगर कुछ करता है, कुछ लॉ जो होता है वो गलत बनाता है, तो उसको जुडिशरी उसको सप्रेस कर देगा, जुडिशरी उसको जो लॉ बनाया है उसको नल एंड वॉइड कर देगा. एग्जाम्पल के तौर पर हमने देखा भी था और अभी मैं आपको बताता हूँ एनजेएसी का जो था. ठीक है, तो पार्लियामेंट ने तो लॉ बनाया, लेजिस्लेचर ने तो लॉ बनाया, ठीक है, पर जुडिशरी ने उसको कर्व कर दिया, नल एंड वॉइड कर दिया. ठीक है, तो ये क्या हुआ कि पार्लियामेंट की सोवरेनिटी नहीं हुई. जुडिशियल सुप्रीमेसी का मतलब कि जो कुछ है जुडिशियरी ही है. ठीक है, ये पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी वाला सिस्टम कहां फॉलो होता है, एग्जांपल ब्रिटेन यूके. जुडिशियल सुप्रीमेसी में क्या है कि लॉ मेकिंग बॉडी जो लेजिस्लेचर है वो सुप्रीम नहीं है, जुडिशियरी सुप्रीम है. जो जुडिशियरी करेगी वो हमको मानना पड़ेगा, पार्लियामेंट से ऊपर भी, लॉ मेकिंग बॉडी से ऊपर भी कौन हुई, जुडिशियरी. पर इंडिया के केस में ऐसा नहीं है, इंडिया के केस में जुडिशियल सुप्रीमेसी है, जुडिशियल रिव्यू की पावर है, पर इसका मतलब ये नहीं कि जुडिशियरी कुछ भी करेगा. ठीक है, जुडिशियल सुप्रीमेसी अमेरिका में है, इसका मतलब जैसे इमरजेंसी के दौरान आर्टिकल 20, आर्टिकल 21 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, उनको हम हटा नहीं सकते. बाकी जितने फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे उनको हम हटा सकते हैं. ठीक है, परंतु यूके यूएसए में क्या है कि कोई सा भी फंडामेंटल राइट हो उसको जुडिशरी हटा सकती है इमरजेंसी के दौरान. तो इसका मतलब क्या हुआ कि जुडिशरी के पास अपर हैंड है, जुडिशरी जो है वो सुप्रीम है, इसलिए जुडिशरी सुप्रीमेसी है वहां पे. पर इंडिया के केस में ऐसा नहीं है, इंडिया के केस में कई सारी चीजों में जुडिशरी की सुप्रीमेसी है पर कहीं भी उसकी भी रेस्ट्रिक्शन है. जैसे आर्टिकल 20-21 हम इमरजेंसी के दौरान, नेशनल इमरजेंसी के दौरान नहीं हटा सकते. ठीक है, तो इसलिए क्या हुआ हमारे अंदर ब्लेंड हुआ, यानी कि सिंथेसिस हुआ पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी का और जुडिशियल सुप्रीमेसी का. बाकी का जो इसके अंदर और एनालिसिस वाला पोर्शन है वो सेपरेट टॉपिक की तरह समझाऊंगा मैं. ठीक है, नेक्स्ट साइलेंट फीचर नेक्स्ट लेसन में.